ये मेरा कोट यहाँ कैसे? और अनन्या क्या है? वेज अनन्या? 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 नील? अनन्या? नील रुक! अनन्या! नील, क्या हो गया तुझे? चले तरह। अनन्या! तरह तू कैसे बातें कर रहा है? अनन्या है कहाँ मॉम? और रिया तुझे इतने प्यार से मिठाई खिला रही है और तू है क्या? अनन्या है कहाँ? मैंने मैंने निकाला है उसे। वो चली गई। चली गई? What do you mean चली? लेकिन क्यों? नील चली गई जहां उसे जाना था। और वैसे भी वो हमारे परिवार में रहने के लायक ही नहीं है। आज जितनी बात मैंने ऐसे सुनाई है ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, मुझे नहीं लगता वो इस घर में दोबारा कदम रखेगी। बड़ी आई मुझे सुधारने वाली। दो कौड़ी अमोल। अरे इन्हें रुक जाओ, क्या कर रहे हैं? मेरे खिलाफ से क्या कर रहे हैं? घर के लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करते? अरे नील क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। नील, अगर ये मेरा पुलिस स्टेशन होता ना, तो आई स्वेयर मैं भूल जाता मेरा तुम्हारे से रिश्ता क्या है। आज अगर मेरा हाथ रुका है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अनन्या ने तुम्हें रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी ली है। तुम्हें सुधारने की उम्मीद अगर किसी के दिल में, तो वो उस दो कौड़ी की लड़की में, क्योंकि मैं ये उम्मीद छोड़ चुका था। इस घटिया लड़की ने क्या घुट्टी पिला दी नील को। सॉरी, मेरी नजर में शराब पी के गाड़ी चलाना या अपनी मां की उम्र की औरत को किडनैप करना, वो एक घटिया बन। और आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोग को एक लड़की के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? और मॉम आप, आपको मॉम बोलने में शर्म आती है मुझे? नील, माइंड योर लैंग्वेज। टिल्लू, तू ना अपनी मां को समझ ही नहीं पाया। अली का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अली, अली कहाँ गया? अली, हेलो माँ, अली तो यहाँ कैफे में है ही नहीं। मुझे लगा था मैं उससे मिलूंगी और उसे सॉरी बोल दूंगी। गुस्से में मैंने उसे ठीक से बात तक भी नहीं की और उसने परेशान होकर आपको कॉल कर दिया। एनीवेज माँ, मैं यहीं उसका वेट करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। अली, मैं तुझे ढूंढ रही थी।
सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम अली से मिलने यहाँ पे आई हो। नहीं नहीं, मैं तो उसे इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि वैसे कैफे छोड़कर चला गया। अच्छा, कहाँ है अली? आए? थैंक्स। अनन्या, आई एम सॉरी। आई नो आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ और अपनी मॉम की तरफ से मैं तुमसे इट्स ओके। नहीं, दोस्तों के बीच कैसा सॉरी। मैं तो इसी बात से खुश हूं कि हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारी मॉम तुमसे मिलने मेड बन के क्यों आई थी? आई मीन वैसे भी तुमसे मिलने आ सकती थी, राइट? नहीं, ऐसे कैसे आ जाती? अमोल भी तो था ना वहां। या ऑफ कोर्स, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी मॉम काफी ब्रेव है। अमोल से किडनैप होने के बावजूद भी वो तुम्हारे से मिलने चली आई उसी के घर। आउटस्टैंडिंग। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है अनन्या। ना तो नीला पारेख, ना ही आज जो तुमसे मिलने आई थी, इनमें से कोई तुम्हारी मां नहीं है। अच्छा, तुम अभी भी नीला पारेख के पीजी में रहती हो? नहीं। पता है, डीडी बता रहा था नीला पारेख जो है ना वो दयावंती जी की एक्स बहू रह चुकी है। Can you believe that? Such a small world. है ना? हाँ, small world. Yeah. वो तुम्हारे लिप्स पे कुछ लगाए वहां। कहाँ? वो नीचे। नो, यहाँ थोड़ा नीचे। तुम कार्टून जैसी लग रही। नील दो। What? अच्छा, तुम चाहोगी कि मैं डिलीट मार दूं? That's okay. I will do that. But later on. Don't worry. Cute picture ना? नहीं? Okay, मैं ये साफ करके आती हूँ। थैंक्स नील। थैंक्स। वो किस लिए? मेरे चेहरे पर वापस स्माइल लाने के लिए। अनन्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक पुलिस वाले का फर्ज निभाते हुए ये दोस्ती का झूठा नाटक कर रहा हूं तुमसे सच बुलवाने के लिए।